नमस्कार, मैं सीमा मलकानिया है। मेरी किचन में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पाव भाजी। तो आइए बना लेते हैं पाव भाजी, शुरू करते हैं। उसके लिए पहले मैं कढ़ाई रख दी है, ये गर्म हो चुकी है। इसमें मैं पहले मक्खन डाल रही हूँ। मक्खन के साथ फ्रेंड्स मैं 1 चम्मच इसमें ऑयल भी डाल रही हूँ, क्योंकि इससे मक्खन जो है हमारा जलता नहीं है। तो अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं जीरा, और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और फ्रेंड्स, जीरा जो है वो अच्छी तरह से हो चुका है, तो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ, और इनको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसमें पका लूंगी। फ्रेंड्स, अब जो शिमला मिर्च है वो अच्छी तरह से नरम हो चुकी है, तो इसमें अब ऐड कर रही हूँ ये मैंने प्याज, और इसमें लहसुन, और इसमें हरी मिर्च जो है मैंने पीस के रखी है, इसको मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मैंने इकट्ठे ही इन सबको पीस दिया था, और इनको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें ऐड कर रहे हैं, हमने ये अदरक रखा है वो इसको ऐड कर रहे हैं हम, और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और मैंने हल्दी रखी है वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ। देगी लाल मिर्च रखी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और हमने टमाटर प्यूरी बना के रखी है वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू मैश कर रखे हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आलू बॉईल किए थे वो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। बॉईल करके इनको अच्छे से मैश कर लिया था। अब मैंने फ्रोजन मटर लिए हैं वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसके बाद इनको अच्छे से मिक्स करके इसको ढक्कन देके हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे। अच्छे से मिक्स करके इसको ढक्कन देके 5 मिनट के लिए पका। तो फ्रेंड्स, अब हम ढक्कन उठा के देख लेते हैं, ये अच्छी तरह से नरम हो चुके हैं। और इसमें अब मैं ऐड कर रही हूँ नमक, नमक हम थोड़ा ध्यान से ही डालेंगे क्योंकि मक्खन में भी नमक होता है। और मैं ऐड कर रही हूँ पाव भाजी मसाला, ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, और इसमें थोड़ा सा फूड कलर, रेड कलर का फूड कलर, और इसको अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद हम जो मैशर है उससे हम अच्छी तरह से इसको मैश कर लेंगे। फ्रेंड्स, हमने अब अच्छी तरह से इनको मैश कर लिया है सब्जी को, और अब हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे और बटर, और इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और हमारी जो भाजी है वो बहुत गाढ़ी है, तो इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसको और 5 मिनट के लिए पकाएंगे। तो फ्रेंड्स, अब ढक्कन हटा के देख लेते हैं। भाजी जो है हमारी तैयार हो चुकी है, और इसमें अब मैं नींबू का जूस जो है वो ऐड कर रही हूँ।
बस थोड़ा सा इसको हम हिलाएंगे और हमारी जो है भाजी बिल्कुल तैयार हो चुकी है। अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स भाजी तो हमारी बन गई। अब हम गरम कर लेते हैं अपने पाव और फिर हम प्लेट लगाएंगे। तो मैंने फ्राई पैन रखा है, इसमें मैं बटर डाल रही हूँ। आप बटर की जगह देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं और इसको ऐसे अच्छे से फैला लेंगे फ्राई पैन में। और इसमें डालेंगे हम जो हमने पाव भाजी मसाला रखा है, उसको मैं इसमें ऐसे डस्ट कर दूंगी। और जो हमारा पाव है उसको मैंने ये देखिए बीच में से ऐसे काट लिया है, ये इस तरीके से है। तो मैंने इसको बीच में से ऐसे काट के जो हमने ये बटर और मसाला डाला है इसमें मैं इसको इस तरीके से रखूंगी। और एक साइड पे ये अच्छे से लग चुका है, तो अब मैं दूसरी तरफ इसको शिफ्ट कर रही हूँ और अच्छी तरह से इसको इसमें भी मसाले को पाव में अच्छे से लग जाए। ऐसे ही मैं दोनों तरफ से इसको अच्छी तरह से सेक लूँगी। अब देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये दोनों तरफ से अच्छे से सिक गया है और मैंने इसको इस तरीके से पैक कर दिया है। ऐसे हमारे जो पाव हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो आप भी ऐसे ज़रूर ट्राई करें। और अब हम इसको सर्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स पाव भाजी हमारी बिल्कुल तैयार है और बहुत ही अच्छी और बहुत टेस्टी पाव भाजी बनी है, तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ जल्द ही। थैंक यू।